बेटा आपको ऐसे सभी पार्ट्स सेकंड क्वेश्चन के सॉल्व करने हैं। ओके हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने थर्ड क्वेश्चन करना है, फाइंड 1/3 ऑफ रुपीज़ 18। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1/3 जो है हम इसको 1/3, ठीक है, ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लिखेंगे रुपीज़ 18। ठीक है, वही आ गया जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, भी एक टर्म आपके फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई, एक टर्म आपके होल नंबर है। तो आप ये भी जो होल नंबर है ये एक्चुअली न्यूमिनेटर में ही होता है। ठीक है, तो आप इसकी कटिंग कर सकते हो डिनोमिनेटर के साथ, अगर यहाँ पर आपके टेबल में जाते हैं दोनों। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ओके, अब 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, 6 आ गया और 1 नीचे ऐसे रह गया, इसको हम ओनली 6 भी लिख सकते हैं। क्लियर? यस फ्रेंड्स, सी द सेकेंड सम। ठीक है, इसमें देखिए 4/9 मल्टीप्लाई 63 मीटर। क्लियर? अब देखो 9 के टेबल में 63 आता है ना, तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। ओके, तो 4 न्यूमिनेटर है, यहाँ पर 7 न्यूमिनेटर है, तो 4 7 जा 28, नीचे आपका 1 बच गया, आप इसको ओनली 28 भी लिख सकते हो, और साथ में जो भी यूनिट है, मीटर है, सेंटीमीटर है, वो आप राइट कर दोगे। यस स्टूडेंट्स, अब थर्ड सम देखिए, इसमें हमने लिख रहे हैं 7/40 मल्टीप्लाई 2 kg। ठीक है, बट अब ये देखिए कि 2 जो है 40 से स्मॉल है, तो इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं होगी, तो हम इसको kg को ग्राम में चेंज कर लेंगे। ठीक है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो 2 kg कितने के इक्वल हुआ? 2000 ग्राम के, है ना? तो हम इसको राइट कर सकते हैं 7/40 मल्टीप्लाई 2000 ग्राम। ओके, 0 से हम 0 कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचा 7/4 मल्टीप्लाई 200। ठीक है, अब 4 5 जा 20, साथ में 0 आप ऐसे राइट कर दोगे। ठीक है, अब 7 और 50 दोनों ऊपर हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 5 जा 35, साथ में 0 आ जाएगी। ठीक है, नीचे डिवाइड में 1 है और आप इसका आंसर लिख सकते हो 350 ग्राम। ओके, ऐसे ही आपने इसके सभी पार्ट ट्राई करने हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब फोर्थ सम देखिए, फोर्थ के 3 पार्ट्स हैं, मैं आपको एक पार्ट जो है सॉल्व करके दिखाती हूँ इसका। अब आपके पास 3 टर्म्स हैं फ्रैक्शंस में, ठीक है, 1 2 3, 3 टर्म्स आपके पास फ्रैक्शंस में, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले इसको आप एज इट इज़ राइट कर लोगे, ठीक है, उसके बाद अगर आपका न्यूमिरेटर किसी डिनोमिनेटर से कटिंग हो रहा है तो आप उसको कटिंग करोगे। जैसे 7 के टेबल में 21 भी आ रहा है और 35 भी आ रहा है, तो 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। ठीक है, और कोई देखो, अगर आपको लगता है कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में 12 भी कर सकते हैं हम, 26 को भी कटिंग कर सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 13 जा 26। ठीक है, अब 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, अब आपके देखो क्या, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब देखो यहाँ पर ऊपर आपके न्यूमिरेटर में क्या क्या पेंडिंग रह गया, 8 और 2 ओनली और 1। ठीक है, तो 8 2 जा 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 16। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर नीचे देखिए न्यूमिरेटर में 5 और 13, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 65। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। बस ऐसे आपने नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सीधा फिफ्थ क्वेश्चन, ओनियंस आर सोल्ड एट द रुपीज़ 24 3/4 पर केजी। ऑरेंज जो है 1 kg जो है 24 3/4 रुपीज़ के बेचे जा रहे हैं, वट इज़ द कॉस्ट ऑफ द 6 1/2 kg ऑफ द ऑरेंजेस।
तो 6 1/2 केजीज ऑफ ऑरेंजेस की जो है कॉस्ट कितनी होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। अगर आपको किसी भी 1 केजी की या 1 पीस के आपको रुपीज़ बताए हुए हैं, तो आप जितने भी उन्होंने कहा हुआ है आप बिल्कुल उसको सिंपली निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 केजी। कितनी है 1 केजी की कॉस्ट हमें दी हुई, 24 3/4। यहाँ देख रहे हो ना पर केजी, पर केजी का मीन्स 1 केजी का रेट आपका इतना है। कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू इतने रुपीज़। ठीक है, अब आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ 6 1/2 इज इक्वल टू 24 3/4 मल्टीप्लाई 6 1/2। ठीक है, 1 केजी की कॉस्ट हमें दी हुई है, जितने की आपने निकालनी है उस वो आप क्या कर दोगे, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल। और मल्टीप्लाई का आपको रूल पता ही है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सॉल्व करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1287/8। इतने रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहो तो आपके आंसर को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हो, नहीं तो यहीं तक छोड़ सकते हो। ठीक है, दोनों आंसर्स आपके राइट होंगे। क्लियर बेटा, मैं सभी जो 5 क्वेश्चंस हैं 2.2 के, उनकी आपको सॉल्यूशंस की वर्कशीट सेंड कर दूंगी। ठीक है, और आप फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो है 2.2 के अच्छे से नोटबुक पे राइट कर लेना। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।